दुनिया कितनी एडवांस चल रही है मुझे आज पता चला है जब मैंने इनकी गुड़ियाँ देखी हैं और उसका जो मांजा देखा है कि वो ज़ेब्रा स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक और व्हाइट कलर की, ये वो है। यहाँ हांगकांग में ना लोग किसी को घूर घूर के देखते नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और लोग हम ऐसे देख देख के चल रहे हैं। Assalamualaikum everyone, I hope आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। Another day, another vlog। आज के दिन हम जाने लगे हैं यहाँ टाइपो में, वाटर पार्क है वहाँ पर, और हमने साथ में बनाई है बिरयानी। एज यूजुअल जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग साथ में बिरयानी बना लेते हैं, तो आई थिंक वो खाना आसान होती है और मजे भी होती है। ये पार्क तो कुछ ज़्यादा ही करीब था, अभी हम लोग को ये घर से 5 मिनट्स की ड्राइव थी, हम लोग पहुँच गए। पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे काइट फ्लाइंग एरिया भी है, इंसेक्ट हाउस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर। और यू आर हियर, अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ओह कितना प्यारा समुंदर लग रहा है। ये देखें यहाँ पर ये लोग कोई रनिंग कर रहा है, कोई ऐसी वॉक कर रहे हैं लोग, और ऐसी जगह है। वाओ, इसलिए हम लोग यहाँ घास के ऊपर ही बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि बेंचेस लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ी है। तो अभी हम लोग यहाँ बैठ के कुछ खाते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसी जगह है। सो लेट्स ईट। यहाँ हांगकांग में ना लोग किसी को घूर घूर के देखते नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और लोग हम ऐसे देख देख के चल रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर लोगों के गुजरने का रास्ता है बेसिकली। हम लोग एकदम बिल्कुल रास्ते में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक जगह है स्पाइरल टावर, मैं आप लोग को दिखा, ये देखें इसके ऊपर टॉप पर भी जा सकते हैं व्यू के लिए। और मैंने सोचा है ऊपर नहीं जाती भाई, बहुत ही ऊपर है। वहाँ पे जाके बस सिर्फ पिक्चर्स बना सकते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रही और यहीं नीचे से ही घूमती हूँ, जो भी जगह आती है आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ। फिलहाल तो ये देखिए समंदर, यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। तो ये हम बिल्कुल टॉप पर हैं इस वक्त, यहाँ पे भी लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, ये सारा स्पॉट है। चलें अब हम यहाँ जाने लगे हैं फ्लावर्स देखने के लिए। इधर काफ़ी खूबसूरत कलर्स के फ्लावर हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे कलर के हैं, ये देखें वाओ, आर्टिफिशियल लग रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे इन कलर्स के हैं, फिर वहाँ पे येलो हैं, उसके आगे पिंक लगे हुए हैं, सबसे प्यारे यही वाले लग रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इंसेक्ट हाउस में, और यहाँ पे स्टार्ट में लेडी बग्स बने हुए हैं। तो ये वाली बिल्डिंग है, आई थिंक इसके अंदर हैं इंसेक्ट्स, लेट्स सी कैसे हैं। आई होप कोई लाइव इंसेक्ट ना हो, मुझे कीड़े कोई ख़ास पसंद नहीं है, बाहर से तो ऐसा है इंसेक्ट हाउस। तो अंदर इस तरह से ना इनके अंदर इन्होंने ये इंसेक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, आई थिंक ये नकली है, नकली है क्या, इसलिए नकली है, लेकिन इधर लिखा हुआ है प्रेस फॉर 2 सेकंड्स टू लिसन टू माय वॉइस, और ये बटन दबाओगे तो इसकी साउंड आई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये देखें डिफरेंट इंसेक्ट्स रखे हुए हैं, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और ये क्या है पता नहीं इनके कौन से नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। इंसेक्ट एक्टिविटी डिकोडिंग, और ये हैं फिर एंट्स, ये हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इन्होंने ना यहाँ पे इनको मैग्नीफाई करके रखा हुआ है, साथ डिटेल्स इनकी लिखी हुई है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है भाई, ओके ये हमारा डेंगी मच्छर है। जैसे डेंगी होता है, ये देखिए इसके ऊपर कहते हैं ना, ये एडिस इजिप्टाई होता है, वो जो डेंगी मच्छर होता है उसको कहते हैं। तो इसका नाम है एडिस एल्बोप्टिक्टस। बोला भी जा रहा, यहाँ हमने कोई 2-3 जगह ही देखी है अभी तक, और शाम हो गई है, इतना बड़ा कोई पार्क है, और साथ में बिल्कुल पानी है, और इस तरफ इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई हैं। मोस्टली यहाँ पे हर्ब्स गार्डन है, जैसे रोज़ गार्डन है, इस तरीके से कोई प्लांट्स की डिफरेंट जगह बनाई थी। अभी हम लोग गए थे इंसेक्ट हाउस में, तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, लेकिन अब शाम हो गई है, सो वी आर थिंकिंग कि अभी हम लोग घर जाते हैं, बाकी किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास अभी बाइसाइकिल भी नहीं है, हम चल चल के आए हैं यहाँ पर, तो चलना अच्छा खासा पड़ा है यहाँ पर, और अभी वापस भी जाना है जितना आगे चल कर आए हैं, सो लेट्स गो बैक। मैंने काइट फ्लाइंग वाली जगह भी एक्सप्लोर कर ली है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन लोगों की काइट्स किस तरह की हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये लोग
डिफरेंट तरह की काइट्स उड़ा रहे हैं, इन्होंने पकड़ी भी हैं। और हमारे यहाँ होता है ना कि जो मांझा होता है वो हाथ में पकड़ा होता है, उसकी रील्स होती हैं। इधर इस तरह से है ये, इसने जैसे पकड़ी हुई है हाथ में। ओप्स, आई हाय हाय हाय, मैं किसकी काइट के पीछे आ गई, आई एम सॉरी। ठीक है, देखें इसने हैंडल में पकड़ा हुआ है ना, तो ये मांझा इसके ऊपर रैप हुआ हुआ है। और अब वो दे रही है कन्नी, हम लोग बोलते हैं कन्नी देना। इस तरह से भागते हैं और फिर ये गुड्डी ऊपर उड़ेगी। देखो ज़रा दुनिया कितनी एडवांस चल रही है, मुझे आज पता चला है जब मैंने इनकी गुड़ियाँ देखी हैं और उसका जो मांझा देखा है कितने मज़े से वो रील पे पकड़ा हुआ है। हमारे हाथों हाथों पे कट्स लग जाते हैं और फिर वो चेपियाँ लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, गुड़ियाँ अजीब सी होती हैं कागज़ वाली। ये प्लास्टिक वाली काइट्स हैं और ज़बरदस्त किस्म की उड़ रही हैं, बड़ा मज़ा आया देख के। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ चिमचा चुई और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, थोड़ी सी ग्रोसरी भी लेनी है और मैंने थोड़े से कपड़े भी लेने थे अपने लिए। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और जो है मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ यहाँ पे पहले शॉप्स में। यहाँ पे एक इंडियन शॉप है जहाँ से मसाले वगैरह मिलते हैं, पहले मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं जिस शॉप के अंदर खड़ी हूँ यहाँ पे सारे इंडियन स्पाइसेस और पाकिस्तानी स्पाइसेस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह की चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें लेते हैं ना, तो यही ज़ीरा और सौंफ और इस तरह की चीज़ें, गर्म मसाला वगैरह वो मिल जाता है। और यहाँ पे ये स्पाइसेस हैं, बिरयानी मसाला, दाल वगैरह। ये वैसे इंडियन शॉप है तो यहाँ पे ज़्यादा इंडियन चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ पाकिस्तानी चीज़ें भी यहाँ पे रखी होती हैं। वैसे तो ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये सारे शान के मसाले भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आके ना मैं ये लेकर जाती हूँ। अब मुझे चाहिए था गर्म मसाला पाउडर, ये है इंडियन और ये है पाकिस्तानी, कौन सा वाला लूँ, ये 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 ये। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और इसमें जो है ना ये पाउडर्ड मिल्क मैंने एक लिया है, ये इंडियन है, लेकिन घर में दही बनाने का मैंने देखा था एक तरीका जिसमें आप ये मिल्क पैक से बना सकते हैं, उसके लिए मैंने ये पाउडर्ड मिल्क लिया ये वाला। इसे मैं घर पे दही बना के देखूँगी। और ये इंडियन मिल्क है लेकिन ये बहुत मज़े का होता है, अमूल का। ये लिया है, साथ में दही लिया है और ब्रेड लिया है और ये गर्म मसाला। आंटी ये बताएं ये गर्म मसाला इसमें से कौन सा वाला सही है, मतलब ये भी सेम है गर्म मसाला और ये भी, ये पाकिस्तान कितने कितने का है? $12 सेम प्राइस है और क्वांटिटी भी सेम है जी। अच्छा, एक ही जैसा होता है? हाँ। अच्छा, फिर पाकिस्तान वाले ही ले लेते हैं, यही वाला दे दें फिर। तो अब मैं आ गई हूँ वेलकम, और जिस तरह मुल्ला की दौड़ कहते हैं मस्जिद तक, ऐसे माहम की दौड़ वेलकम तक, मैं हमेशा वेलकम ही जाती रहती हूँ। यहाँ से ना असल में फ्रूट्स लेने होते हैं और ख़त्म हो गए थे फिर से, तो अभी मैं यहाँ फ्रूट्स लेने के लिए गई हूँ। तो फ्रूट्स में एज़ यूजुअल मैं अपने ग्रीन वाले केले ले रही हैं और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या लूँ। ये दो दो मैं ट्रॉली कैसे चलाऊँ, एक ये और एक ये। चलो भाई धक्का मार के चलते हैं और साथ में रख लेते हैं ये नाशपातियाँ, ये भी अच्छी होती हैं। इसके अलावा और क्या लेना है, ये ऑरेंजेस तो इतने कोई बड़े बड़े हैं, ये वाले पता नहीं कौन से टाइप के ऑरेंज है लेकिन इसका कोई ख़ास जायका नहीं होता, तो ये नहीं ले रही। और आगे देखते हैं क्या लें। एंड आई हैव टू टेक दिस, इससे मैंने बर्गर बनाने हैं, ये भी रख लेते हैं। स्नैक्स आर माई वीकनेस। और अभी मैं आ गई हूँ बिस्किट्स वाली आइल में और यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ और माई फेवरेट, और साथ में लेते हैं वेफर्स, ये उठा लेती हूँ, चॉकलेट, और ये ले लेते हैं पीनट फ्लेवर्ड। चलो जी। अच्छा, हम लोग ने ना काफ़ी अरसे से प्लान किया हुआ था बारबेक्यू करने का, मैंने दो तीन ब्लॉग्स में मेंशन भी किया था। तो अभी पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, अभी वो लिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे ना हम लोग सोचे थे कि हम लोग ये कोयले कहाँ से लेंगे, तो अब इधर नज़र आए हैं यहाँ पे, ये तो इसके वो हैं जो हमें सीखे चाहिए होती हैं, उनके जो फोर्क्स होते हैं यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं। ये $4 का एक है और लेकिन ये इस तरह वाला है, ये पूरा जैसे हमारे यहाँ इस पर चढ़ जाता है ना पूरा, ये वैसा वाला नहीं है, इसके फ्रंट पर चढ़ेगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये देखा है कि ये ना चारकोल भी मिल रहा है यहाँ पे, ये कोयले पड़े हुए हैं और ये तकरीबन कोई 67 का आई थिंक ये एक है। उसके अलावा ये $5 का मिल रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बारबेक्यू वाइट स्टार्टर। तो अच्छा, यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ये बारबेक्यू वाइट स्टार्टर है, ये सॉर्ट ऑफ वैक्स टाइप का मटेरियल होता है, इसको आग लग जाती है तो ये आप इसको फायर लगा के और ऊपर कोयले रख दें तो कोयले से जल जाते हैं, मिट्टी के तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ से ये मैंने ली नहीं है, बस ये मैंने देखी है, तो अगर मुझे समझ आएंगी तो ये बाद में ले लूँगी। और आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, यहाँ से लेते हैं कोई आइसक्रीम। तो अभी मैं रास्ते में रुकी हूँ आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे, मैंने सोचा आइसक्रीम खाऊँ फिर मैं आगे जाती हूँ।
अब यहाँ पे कोई स्ट्रीट शो चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। फाइनली आ गए हैं सब वे कुछ खाने के लिए, भूख लगी हुई थी बहुत सख्त किस्म की। और पिछले दिनों मेरी एक व्यूअर हैं यूट्यूब की, सो शी टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, और उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ हांगकांग आ रहे थे और उन्होंने भी अभी हांगकांग आना है थोड़े टाइम के बाद। सो शी वॉज़ आस्किंग मी, क्योंकि वो वहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स हैं, सो शी वॉज़ आस्किंग मी कि हांगकांग कैसा है, और वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, इस तरह से शी अप्रोच्ड मी। तो फिर मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई, उनके हस्बैंड अभी यहाँ पे आए हैं, तो शी सेंट अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम इंडिया है। So I got this माशाल्लाह beautiful जायनमाज़, और उसके अलावा माजवी ने मेरे लिए निम को भेज दिया इंडिया से। थैंक यू सो मच माजवी ने, इफ यू आर वॉचिंग दिस। और मेरे पास यहाँ पे हम लोग ने अभी जब शिफ्टिंग की तो मेरे पास जायनमाज़ नहीं थी, तो मैं ऐसी माजवी को बता रही थी कि जब आप यहाँ पर आएँ तो जायनमाज़ ले आइएगा अपने लिए, तो मैं उसको अपनी स्टोरी बता रही थी और उसे भी मेरे लिए भेज दी। तो ये आ गया हमारा सैंडविच और साथ में एज यूजुअल सबवे के यमी यमी कुकीज़। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को मज़े का लगा हो। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया। और अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।